वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज हम आए हैं कोंकण में, मतलब हमारे गांव में। हमारे गांव में दो फेस्टिवल्स बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, एक गणपति बप्पा का फेस्टिवल और दूसरा होता है होली। होली को यहाँ पे लोग शिमगा भी बोलते हैं। तो आज है होली का दिन, आज सबसे इम्पॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज पूनम की रात है जिस दिन आज होली का दहन होगा। पिछले 7 या 8 दिन से हर रोज़ यहाँ पे होली लगती है। गांव का रिचुअल्स होते हैं, कोंकण का रिचुअल्स होते हैं कि हर दिन छोटी छोटी होली लगती है और सबसे लास्ट दिन, मतलब आखिरी दिन, आज के दिन सबसे बड़ी होली लगेगी। यहाँ पे सब प्रिपरेशन चालू है। आप भी यहाँ पे मुझे बाई तरफ मेरे देख सकते हैं, वहाँ पे होली का प्रिपरेशन उन्होंने चालू कर दिया है। अलग अलग होलियाँ बना रहे हैं लोग और रात को सबसे बड़ी होली का दहन आज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैक्टर आया है, वहाँ पे गाड़ी में से उन्होंने बहुत बड़ा झाड़ लाया है। इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारे गाँव वाले सब यहाँ पे इकट्ठा होते हैं और ये फेस्टिवल बनाते हैं। करीबन 30 फीट की होली आज रात को यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। आप रात का नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल होगा, देखने लायक होगा, इसलिए हम लोग आए हैं कोंकण में। सो लेट्स गो एंड सी कैसे प्रिपरेशन होती है उन लोगों की, क्या क्या वो लोग बनाते हैं। ये वो झाड़ है जो इसको हम लोग इसमें लगाएंगे, जो खड़ा करेंगे इस गड्ढे में, और उसके बाजू में ऐसा सब लकड़ी है वो भी उसके साथ ही लगा लेंगे और फिर रात को यहीं पे होली का दहन होगा। ट्रैक्टर वगैरह भी आ गए, गड्ढा खोद रहे, और आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी अभी प्रिपरेशन चालू हो गया है। ट्रैक्टर से अभी खींचेंगे उसको क्योंकि बहुत ज़्यादा हेवी है ये। ये बहुत हेवी होता है, कितने जन खड़े यहाँ पे लगाने के लिए। बहुत हेवी लकड़ी है, इतना गड्ढा खोदा है, दोनों तरफ से रस्सी उनसे पकड़ा हुआ है लोगों ने, और ये सब पीछे लकड़ी है, यहाँ पे भी लकड़ी है। ये पहली होली है, ये सेकेंड वन एंड ये तीसरी वाली। इनको खड़ा करते करते शाम हो ही जाता है क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। सारी सूखी घास वहाँ से लेके आके यहीं पे घास सूखी रख रहे हैं और ऐसे ही बना रहे होली। कुछ ऐसी हो जाती है बाद में, वो लोग भी वहाँ पे बना रहे हैं। सब जगह से लगा देंगे, ¡Gracias!
देखा कि होली का कैसे पूरा सेटअप होता है। एंड हम लोग अभी मंदिर में भी गए थे, हमने मंदिर में भी दिखा दिया कि मंदिर में पालकियाँ होती हैं, वो पालकियाँ भी पूरे गांव में घूमेगी, हर एक के घर में जाएगी, हमारे घर में भी आएगी, हम उसकी पूजा करेंगे, भगवान होते उसमें, और वहाँ से होके वो शांत पे जाएगी। आप शांत पे देख सकते हो कि शांत को भी पूरी तरह से सजाया गया है, वहाँ पे जाके फाइनली पालकी रखेंगे, उसके बाद होली का दहन हो जाएगा। तो होली का दहन अभी कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाएगा, सबसे पहले पालकी आएगी, हम पैर पड़ती हैं और हम लोग होली की दहन की तरफ जाएंगे। तो लेट्स गो। सुबह के 4 बजे हैं और थोड़ी ही देर में होली का दहन शुरू हो जाएगा। सबसे पहले होली की पूजा की जाएगी और उसके बाद नवविवाहित पुरुष होली को 5 बार प्रदक्षिणा लेंगे। यह होने के बाद होली का दहन होगा और उसमें नारियल डालेंगे और वही नारियल को फिर प्रसाद की तरह खाएंगे। होली लग चुकी है, कल यहाँ पे रात को होली थी, वो हो गई।
और आज सुबह यहाँ पे पालकी उन्होंने लाई, आज अभी पालकी की पूजा करेंगे। ये झाड़ के नीचे उन्होंने पालकी रखी हुई है और ये पूजा संपन्न होने के बाद वो वापस सान पे लेके जाएंगे। वहाँ पे थोड़ी देर रखने के बाद सबसे पहला जो मानकरी होता है उसके घर पे जाएगी आज पालकी और उधर ही रहेगी। अब ये लोग गाराणा गाएंगे, मतलब भगवान को जो भी अपना मैसेज है वो कन्वे करेंगे। माफ़ी मांगते हैं, कुछ गलती हुई रहेगी तो। सो सबसे पहले हमारे गांव में चली होली, सबसे इम्पोर्टेंट ही हमने आपको दिखा दिया। उसके बाद हम मंदिर में गए, मंदिर में डोलिया सजी हुई थी जिसमें भगवान बैठे। भगवान वहां से उठ के सांड पे आते, सांड के बाद रिचुअल चालू होता है कि हर एक के घर में जाके वो भगवान गाएंगे। सबके घर में वैसे ही घूमते रहते हैं, दूसरे या तीसरे दिन जाते हैं भगवान सबके घर पे। आज हमारे घर पे है, हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ही है, उसके लिए हमने सजावट कर दी है। अभी भगवान आएंगे, उनकी हम पूजा करेंगे, उनको हम खाना देंगे, उसके लिए हमने पंच पकवान का खाना बनाया हुआ है। सो लेट्स गो, यहाँ पे देखते हैं हम कैसे घर सजा हुआ है। आंगन से ही उन्होंने सब, हमने सब कुछ सजाया हुआ है। आंगन से जाएंगे हम लोग ऊटी की तरफ से, ऊटी पे भी हमने बहुत सारी सजावट करके रखी है जहाँ पे पालकी बैठेगी। तो जो डोली मतलब जो पालके यहीं पे हम बिठाएंगे, उनकी पूजा करेंगे और यहीं पे हमारा सब पूजा होने के बाद यही पालकी वापस दूसरे घर में जाएगी। सबसे आखिरी दिन पे पालकी जाती है सांग पे, उसके बाद में वो मंदिर में वापस स्थापित होती है। वहीं पे सब कुछ अपना जो होली का महोत्सव है वो समाप्त होता है या फिर संपन्न होता है। इस तरह से हमारे होली का चार दिन का जो फेस्टिवल चल रहा था वो आज संपन्न हुआ। फाइनली आज मतलब वो खुशी हमारे चेहरे पे, क्योंकि हमारे घर पे अभी भगवान आके गए। कोंकण निवासी जो भी होता है, वो मुंबई में रहे या फिर कोई परदेश में रहे, जो जहाँ पे भी है, गणपति फेस्टिवल हो या फिर होली फेस्टिवल हो, ये दो फेस्टिवल्स में वो लोग कोंकण में अपने कुटुंब के साथ आते ही है। साल से जो चलती आ रही परंपरा है उनको हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि भगवान हमारे घर पे आते हैं। आपका कोई भी फ्रेंड हो या फिर आपके कोई रिलेटिव्स कोंकण में रहते हो, उनके साथ आप ये दो फेस्टिवल्स को ज़रूर आना। यहाँ पे जो फेस्टिवल्स का माहौल होता है वो मुंबई पुणे में आपको नहीं दिखेगा,
आप ज़रूर आना, ये माहौल को एंजॉय करना है, फेस्टिवल्स को देखना। ऐसे हम आगे भी वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर आपको ये होली का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल्स को डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ऐसी जर्नी हमारी चलती रहेगी कोंकण से लेके कोई और शहर में भी। सो लेट्स गो विद द न्यू जर्नी एंड न्यू वे। बाय।